हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो आज आपका डे नंबर 31 में हम पार्टनरशिप डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वर्ड प्रॉब्लम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कई बार जो DI आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी इससे पूछा जा सकता है। डेटा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी पार्टनरशिप से बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है। ये तो बात हुई आपकी पार्टनरशिप की, और काफी टाइम से मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक किया था, आप पूछ रहे थे कि सुबह की मॉर्निंग की 9 AM की क्लासेस क्यों नहीं हो रही। अभी देखिए, मेरा कुछ पर्सनल इशू है, इसके कारण मैं आपकी दो दो क्लासेस नहीं कवर करवा पाया। मैं आपकी 3 बजे की क्लास इसलिए नहीं बंद कर पाया क्योंकि ये आपकी बेसिक क्लास है, ठीक है। और रही बात जो एडवांस क्वेश्चंस की, जो हार्ड क्वेश्चंस की, तो ऑलरेडी आपकी 11 बजे सुबह एक क्लास चल रही है जो यशराज सर लेते हैं डेली, ठीक है। तब तक आप कुछ टाइम तक उसके साथ एडजस्ट करो, कुछ टाइम के बाद वो रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी सुबह 9 बजे ही, ठीक है। एक मेरा थोड़ा सा पर्सनल इशू है, उसके बाद इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास बंद कर दी गई है, क्लास होगी, कुछ टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तब तक आप एडजस्ट कर लो। 11 बजे क्लास होती है, क्योंकि देखिए डेली आपकी 11 बजे तो होती है हार्ड क्वेश्चंस की, तो मैं नहीं चाहता था कि आपके जो बेसिक्स की है वो बंद हो, तो इसलिए मैं एक ही क्लास कवर कर पाता है इस टाइम में। तो मैंने आपको 3 PM की जो क्लास है वही कंटिन्यू करवाना सही समझा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है पार्टनरशिप। एक्चुअल में जो वर्ड है पार्टनरशिप, ये है क्या? देखिए पार्टनरशिप क्या होता है कि दो या उससे ज्यादा पर्सन के बीच में जब वो स्टार्ट करते हैं कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस जॉइंटली, ठीक है, यानी दो या उससे ज्यादा जो पर्सन होते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पर्सन होते हैं उनको कहते हैं हम पार्टनर, और उस कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको कहते हैं, कंप्लीट डील को कहते हैं पार्टनरशिप। मान लीजिए आप और आपके दो फ्रेंड और हैं, यानी आप 3 फ्रेंड हैं ABC करके, ठीक है। ये तीनों पर्सन्स हैं, ये तीनों पर्सन कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन्स क्या हो गए, ये पार्टनर्स हो गए, ठीक है। तीनों पर्सन क्या हो गए, पार्टनरशिप हो गए, और इन तीनों के बीच में जो डील हुई है उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है, ये क्लियर है इतना। अब देखिए अगर प्रॉफिट आए तो किस बेसिस पे आता है, अगर मान लीजिए प्रॉफिट आता है किसी भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप में किस बेसिस पे आता है, उन्होंने कितनी तो इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, यानी उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए किया है, ठीक है। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है कितनी अमाउंट, 200, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो ठीक है। तो इस तरह से एट द एंड आपका प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे दो या उससे ज्यादा पर्सन के बीच में ही के बीच पार्टनरशिप होती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का मतलब आप समझ रहे होगी। अब देखिए कुछ पर्सन आते हैं, एक होता आपका वर्किंग पार्टनर, ठीक है, और एक होता आपका स्लीपिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग पार्टनर की, ठीक है। वर्किंग पार्टनर एक्चुअल में होता क्या, एक पर्सन है, मान लीजिए आपका एक कंप्लीट बिजनेस होता है तो एक पर्सन है जो कंप्लीट मैनेज करता है पूरे बिजनेस को, ठीक है। वो पार्टनर जो कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करता है उसको कहते हैं वर्किंग पार्टनर, ठीक है, यानी पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। और दूसरा जो आपका होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, एक सेकेंड होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है कि एक पर्सन है, उसने अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद उसका कोई भी काम नहीं रहता, ठीक है, लेकिन एक पर्सन है जिसने अमाउंट भी इन्वेस्ट किया लेकिन वो काम कर रहा है साथ साथ, तो वो हो जाएगा वर्किंग पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ उसने अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी वो काम नहीं करेगा, तो वो गए स्लीपिंग पार्टनर। तो इसमें वर्किंग पार्टनर है उसको ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो काम भी करता है एज कम्पेयर टू स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये दो बेसिक सी चीजें थी पार्टनर पार्टनरशिप और वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर्स के बीच में। बाकी इस पार्टनरशिप में ऐसा कोई बेसिक चीजें नहीं है जो आपको बताने लायक हो। जब आप सभी को पता है कि जो जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा जितने टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसका प्रॉफिट का रेशियो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, PQR स्टार्टेड ए होटल बिजनेस इन विच पी इन्वेस्टेड रुपीज 7500 फॉर 2 ईयर, क्यू इन्वेस्टेड रुपीज 15000 फॉर 3 ईयर, आर इन्वेस्टेड रुपीज 22500 फॉर 4 ईयर, एट द एंड ऑफ 4 ईयर द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम इज रुपीज 4200। यहाँ पे तीन आपके पार्टनर हैं PQR, वो किसी एक होटल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें पी इन्वेस्ट करता है 7500 रुपए 2 साल के लिए, और जो क्यू है वो इन्वेस्ट करता है 15000 रुपए 3 साल के लिए, और आर है वो 22500 रुपए इन्वेस्ट करता है 4 साल के लिए। अगर 4 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है उनको मिलता है टोटल 4200, तो बताइए उसमें आर का शेयर क्या होगा।
ठीक है। सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, पी क्यू आर लिख लेते हैं यहां पे। जबकि पी ने कितना इन्वेस्ट किया, 7,500 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए किया है, 2 साल के लिए, ये तो गुना भाई 2, क्योंकि क्या कहा था, जितनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भाई उतना ही टाइम, ठीक है। अब क्यू की बात करते हैं, क्यू ने कितना किया था, 15,000, कितने टाइम के लिए किया, 3 साल के लिए। और इसी तरह आर है, उसने कितना किया, 22,500, कितने टाइम के लिए, 4 साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे, आपको जो वैल्यू कट रही है ना उनको काट दीजिए, ठीक है। जो वैल्यू एक दूसरे से कटती है उसको काट दीजिए, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिए, फिर ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 से 2 2 4। अब देखिए ये 15 से जाएगा ना, 15 5 75, 15 5 75, अब 15 से करोगे 15 एकम 15, 15 5 75, ठीक है। अब 5 से फिर कैंसिल आउट होगा, 5 एकम 5, 5 3 15, सॉरी 5 एकम 5 और 5 3 15, ठीक है। तो यहां बच गया एक रेशियो, यहां पे सिर्फ क्या बचा है, यहां पे सिर्फ एक ही रेशियो बचा ना, 3 3, तो 3, और यहां पे कितना बना, 3 2 6, तो ये एट द एंड इन सभी का पी क्यू आर का प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो वैल्यू कट रही थी उसको काट दिया। अब क्या कहा था कि एट द एंड इनको कितना रेशियो मिलता है, 4,200 रुपये मिलता है, और आपको आर का शेयर पूछा था, फिर तो 4,200 इनका टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट का इनका रेशियो देखिए, 6 + 3 = 9 = 10, यानी जो 4,200 है वो 10 पॉइंट की वैल्यू हमें आर यानी 6 पॉइंट्स की पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, तो 420 की 6 से गुना करो, 0 6 दुनी 12 1 कैरी, 6 6 24 1 25, यानी 2,520 रुपये आर के हिस्से में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी क्वेश्चन सिंपल था। अगर आप मेरी मॉर्निंग की 9 एम की क्लास कवर करते थे तो उसमें मैं आपको ये चीजें आपको बेसिक अच्छे से करवाता था, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में या अपकमिंग डेज में अगर आप बैंक या इंश्योरेंस के एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे, अगर क्वांट की बात करता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है जो डीआई आती है, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इनइक्वालिटी, वर्ड प्रॉब्लम, सभी के सभी अर्थमेटिक पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो अपकमिंग डेज में वो चीज तो आप भूल ही जाइए कि एवरेज पूछेगा आपसे, रेशियो पूछेगा, वो चीजें तो आप भूल ही जाइए। जितने भी आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही अच्छे आप एग्जाम निकाल पाओगे, और मेंस तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही आपको हेल्प करेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3 बिजनेस पार्टनर्स अश्विन, बलू एंड चंद्रू स्टार्टेड द गेन इन ए सॉफ्टवेयर बिजनेस इन द रेशियो 3:5:6, दे हैड पार्टनर फॉर 12 मंथ्स, 4 months and 6 months respectively, find the ratio of their investment. 3 partner है, अश्विन, बलू और चंद्रू, वो किसी एक particular business को start करते हैं, उसमें उनको profit होता है, gain होता है, software business है वो, कितने ratio में, 3:5:6, ये profit का यानी gain का ratio आपको दे रखा है, investment का नहीं, ये profit और gain का ratio है, ठीक है। और वो partner बनते हैं कितने कितने महीने के लिए, जो अश्विन बनता है 12 महीने के लिए, बलू बनता है 4 महीने के लिए, और जो चंद्रू है वो बनता है 6 महीने के लिए, और आपको ये बताना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था, ठीक है। तो जो अश्विन है उसको ए से डिनोट कर देता हूँ, बल्लू उसको बी से डिनोट कर देता हूँ, और जो चंद्रू है उसको सी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, समझे। अब हमें देखिए ये नहीं पता कि इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो मैंने माना अश्विन है एक्स महीने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जो आपका बल्लू है वो वाई अमाउंट इन्वेस्ट करता है, और जो चंद्रू है वो जेड अमाउंट इन्वेस्ट करता है। बट हमें ये पता है कितने टाइम के लिए करते हैं, हमें ये पता है कि जो अश्विन है वो 12 महीने के लिए करता है, बल्लू है वो 4 महीने के लिए करता है, और चंद्रू है वो 6 महीने के लिए करता है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये तो हो गई इनकी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, ठीक है, जो एक्स वाई जेड मान के हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी प्रॉफिट का जो रेशियो वो है 3:5:6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी का जो रेशियो वो कर लेंगे, देखिए यहाँ पे इनके दोनों के गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, अश्विन का 12x, ठीक है, बल्लू का कितना हो जाएगा 4y is equal to, ठीक है, कितना दे रखा था इन दोनों का रेशियो 3:5, यानी 3/5, हम ऐसे कर सकते हैं, इससे क्या होगा x और y की, x की या y की दोनों की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, तो 12 × 5 = 60x is equal to 4 × 3 = 12y, ठीक है, तो 12 × 12 = 60, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5x, ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपकी 5x। अब इसी तरह से अगर y की आ गई तो यहाँ पे y की जगह जो वैल्यू है x ये पुट कर देंगे और आपकी x की भी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यूएशन था वो था ये 12x/4y is equal to 3/5, ऐसा था ना, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 12x डिवाइड बाई कितना था 5x, तो 4 की 5x से गुना करोगे तो 5 × 20x is equal to 3/5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा जी, 12 × 5 = 60x is equal to 20 × 60x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी, x की आ गई y की आ गई। अब इसी तरह आपको z की निकालनी है, z की कैसे निकालोगे, ओ, a और c की कर दो, ठीक है, a कितना बन रहा है 12x अश्विन, ठीक है,
और जो सी यानी चंद्रू कितना बनना है 6Z इज इक्वल टू, इनके रेशियो कितना था 3/6, ठीक है 3/6, 3 × 3 = 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12 × 2 = 24x इज इक्वल टू 6Z, ठीक है। तो 6 × 6 = 24, यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यूज हैं उनको मान लिया हमने, ठीक है, जो माना था ना एक्स वाई जेड, तो इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था वो हमें अब निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे माना था एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अश्विन, बी बलू, सी चंद्रू, हमने इनकी इन्वेस्टमेंट क्या मानी थी, एक्स वाई जेड मानी थी ना, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, वाई की वैल्यू कितनी आई है 5x, और जेड की कितनी आई है 4x, ठीक है, ये एक्स एक्स है सभी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो आगा 1:5:4 आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से अगर आपसे कई बार गिवन क्वेश्चन में ना दिया हो इन्वेस्टमेंट पूछ ले, या फिर आपसे मंथ भी पूछ ले, तो भी आप अच्छे से इसी मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन सिंपल था और मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है। थर्ड क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन कला स्टार्ट ए बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 6,000 and 8,000, एट द एंड ऑफ द एवरी 4 मंथ दे एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹2,000, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय कला इफ द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7,200। यहाँ पे आप अर्सी और आपके कला दो पर्सन है, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो अर्सी है वो 6,000 रुपए और कला वो 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन हर 4 महीने बाद क्या करता है, वो 2,000 रुपए और ऐड करते जाते हैं दोनों पर्सन, ठीक है। एक साल के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है 7,200, तो आपको कला को कितने अमाउंट मिली है वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है सिंपल, समझना कि चीजों को, जो अस्सी है उसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, कला उसको के से डिनोट कर देता हूँ। इनके अमाउंट स्टार्टिंग में कितनी थी, इसकी थी 6,000, ठीक है, इसकी थी 8,000। अब इसने क्या कहा, हर 4 महीने बाद चेंज होता है, यानी कि ये अमाउंट है दोनों की 4,000 4 महीने के लिए रही है, तो 4 महीने बाद क्या कर रहा है, 2,000 एडिशन कर देता, यानी 6 × 2 = 8,000 हो जाएगा, और 4 महीने के लिए, ठीक है, 8 था तो 10,000 हो गया, क्योंकि 2,000 रुपए ऐड हो रहा है 4 महीने के लिए। फिर 4 महीने बाद, ठीक है, यहाँ पे 8 था तो कितना हो गया 10,000 हो जाएगा, ठीक है, गुना 4 महीने बाद, ये 10 था तो कितना हो जाएगा आपका 12,000 हो जाएगा, गुना 4 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि एक साल में 4-4 करके 3 शिफ्ट बनेंगी ना, एक साल की बात हो रही है, तो 4 × 4 = 8 × 4 = 12, यानी 12 महीने और एक साल में 12 महीने होते हैं। जो वैल्यू 0 है वो कैंसिल आउट करना, बाकी वैल्यू मत करना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मिस्टेक होती है, तो 0 0 काट दीजिए ताकि आपको बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे सारी तीनों की तीनों 0 है, इसकी भी 3 से 3 कैंसिल आउट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की गुना करोगे तो 6 × 6 = 24 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से करोगे तो 8 × 6 = 32 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 10 × 6 = 40। अब इन वैल्यूज को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 4 × 2 = 6 4 × 3 = 7 2 = 9, यानी 96 रेशियो। यहाँ से करोगे तो देखिए 8 × 6 = 32, 10 × 6 = 40 और 12 × 6 = 48, ठीक है, ये वैल्यू बचेंगी। अब इनको ऐड कर दो तो 8 × 2 = 10 1 कैरी 4 × 4 = 8 और 4 × 3 = 12, ठीक है, क्योंकि एक कैरी था वो मैंने उधर ही काउंट कर लिया। तो इनका एट द एंड रेशियो आ गया। अब कट रही है क्या कुछ वैल्यू, देख लीजिए, अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो यहाँ से 12 से कटेगा, 12 × 8 = 96, 12 × 1 = 0, 2 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, ठीक है, यानी इनके बीच का जो रेशियो आ गया 4:5 आ गया, क्लियर है। टोटल अमाउंट कितनी थी, 7,200 थी टोटल अमाउंट थी, रेशियो 5+4 यानी 9, हमें किसकी पूछी थी, कला की, यानी कितना है 5, तो गुना कर दो 5 × 9 = 9 9 × 8 = 72 20 8 × 5 = 40, यानी 4,000 रुपए इसके हिस्से में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, क्वेश्चन बाकी सिंपल था, मेरे हिसाब से आपको बताने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, पी क्यू इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:8, द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:8, इफ पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ देन क्यू इन्वेस्टेड फॉर। तो मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मंथ पूछे या इन्वेस्टमेंट पूछे तो उसी मेथड से कर लेना जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था। यहाँ पे पी और क्यू दो पर्सन है जो इन्वेस्टेड करते 1:5:8 है और उनको प्रॉफिट मिलता है 3:8 में, जबकि पी 6 महीने के लिए करता है, लेकिन क्यू हमें पता करना है कि कितने महीने के लिए करता है। देखिए एक तरफ पी को मेंशन कर देते हैं, एक तरफ क्यू को, पी हमारे कितने अमाउंट इन्वेस्ट करता है 5:8 और क्यू है वो 8:8, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पी है वो कितने महीने के लिए करता है, 6 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6, क्यों हमें नहीं पता कितने के लिए करते हैं, तो मान लिया हमने एक्स मंथ के लिए करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी इन्वेस्टमेंट की बात, किसकी बात होगी, इनकी इन्वेस्टमेंट की बात। और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी मेंशन कर रखा है, तो रेशियो कितना है 3:8 है,
ठीक है। तो मैंने आपको कहा था प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा, पांच और छह यानी छह पांच तीस डिवाइड बाई आठ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू किसका, तीन बटा आठ। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आठ थी चौबीस यानी 240 हो जाएगी, इज इक्वल टू आठ थी चौबीस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मंथ, ठीक है। तो यानी 10 मंथ आप जो का क्यू है वो इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से मैंने कहा था, इसी मेथड से आप अगर आपसे इन्वेस्टमेंट पूछे तो वो भी निकाल सकते हो, अगर आपसे मंथ्स पूछे तो वो भी निकाल सकते हो। बाकी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में या तो देखिए एग्जामिनर आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं ना, जहां भी आपने देखा होगा, अगर आपसे डीआईबी पूछता है तो उसमें या तो आपको प्रॉफिट रेशियो पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, प्रॉफिट रेशियो, या एक दूसरे के शेयर पूछ सकता है कि उसके हिस्से में कितने आए। तो आप सभी को पता है कि प्रॉफिट अगर आप रेशियो निकालोगे तो आप शेयर तो इजीली निकाल सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्लीपिंग पार्टनर वाला केस है ना, इसको ध्यान रखना, एक आपका स्लीपिंग पार्टनर एक आपका वर्किंग पार्टनर, इस तरह से कुछ अमाउंट है उसको दे दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, स्लीपिंग पार्टनर है कभी काम नहीं करता, वर्किंग पार्टनर हमेशा काम करता है, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। बस यही चीज आपको समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, तो ये है आपका होमवर्क जैसा डेली रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए। देखिए कोई बात नहीं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट आप कोशिश तो कीजिए ना, एटलीस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ कोई बात नहीं गलत हो गया तो यहाँ पे कौन सा आपका फाइनल एग्जाम है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ट्राई करो डेली बेसिस पे अगर आप वीडियोस देख रहे हो, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपको कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। कोई डाउट हो पूछिए कमेंट सेक्शन में, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम आपको बैंक और आरआरबी एग्जाम यानी रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और आप ज्यादा क्विजेस वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, डेली www.ibpsguide.com पे विजिट कीजिए, क्योंकि देखिए आपको सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, और वो भी एक मेंस लेवल का कंटेंट। आप सभी देख सकते हो कि मेंस का कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाइए। आपको पेड करने की जरूरत ही नहीं है ना, जब जो चीज आपको फ्री मिल रही है उसके लिए पैसे देने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो शेयर करते रहा करो, डेली क्विज लगाया करो, ठीक है। क्विज कहां से, www.ibpsguide.com पे, या फिर आप इनकी आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे सिंपली जाके डाउनलोड करके वहां से भी क्विज लगा सकते हो। और कभी भी मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहना, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो आपकी एक मेंटेलिटी एक एनवायरनमेंट बना देता है, जब आप एग्जाम में जाते हो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर देता है कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपना टारगेट आप ऑटोमेटिक सेट करने लगते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। प्री और मेंस पहले, अगर आपके प्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं है कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए प्री को लेके, फिर मेंस के मॉक टेस्ट भी अल्टरनेट डेज पे लगाते रहिए। जैसे कि अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में आप तीन तो कम से कम मेंस के मॉक टेस्ट लगाइए और प्री के साथ, ठीक है, प्री के साथ मॉक टेस्ट जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, देखिए क्योंकि डेली एक मॉक आप लगा सकते हो, मेंस का एक दिन में आप मान के चलिए अगर दो घंटे का भी एग्जाम होता है ना, दो घंटे का भी अगर मॉक टेस्ट है तो दो एक घंटे और एक दिन में आप क्या कर सकते हो, जब करोगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप वो वहां से लगा सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आपको मेंस के मॉक मत लगाना, सिर्फ प्री के लगाना, और प्री के में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, जैसे क्वांट का अलग से, रीजनिंग का अलग से, इंग्लिश का अलग से, तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।